धरियात में सूरा नंबर इक्यावन आयत नंबर छप्पन में व मा खल अल्लाह नल्ला फरमाते कि हमने जिन और इंसानों को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तो सवाल हिंदू भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह तला को इबादत की जरूरत क्या है इतनी चीज है फरिश्ते हैं तो इंसान अल्लाह की इबादत क्यों करे क्या अल्लाह को जरूरत है बहुत अच्छा सवाल है बहुत अहम सवाल है मिसाल के तौर पर हम कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह बड़ा है अल्लाह महान है हम अल्लाह महान बोलने से अल्लाह महान नहीं हो जाता है हम बोले या ना बोले अल्लाह महान है अल्लाह अकबर है हम चाहे बोले या ना बोले अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं कहेंगे अल्लाह अकबर तो क्या अल्लाह नीचे हो जाएगा अल्लाह कम हो जाएगा नहीं क्यों हम कहते हैं कि अल्लाह महान है अल्लाह तला फरमाते हैं है सुरे फातिर सुरा नंबर पैंतीस पंद्रह में लिखा है कि अल्लाह डजन रिक्वायर द क्रिएशन बट वी रिक्वायर हिम अल्लाह व वाल को हमारी जरूरत नहीं है लेकिन हमको अल्लाह की जरूरत है हम अल्लाह व तला की तारीफ करते हैं इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए मिसाल के तौर पर जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं हम उसकी बात मानते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपकी वालदा को हार्ट अटैक होता है और आप जानते हैं कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो दुनिया में सबसे बेहतर है वो आपके पास आता है या मौजूद है और एक क्वैक है एक अजनबी इंसान अगर वो अजनबी इंसान आपसे कुछ कहेगा कह कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये चीज करो और एक मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट जो आप भी जानते हैं अगर वो कहेगा कि आपके वालदा को बचाने के लिए ये करो आप किसकी बात मानेंगे आप मानेंगे हार्ट स्पेशलिस्ट की बात किसकी बात हार्ट स्पेशलिस्ट क्यों वो हार्ट स्पेशलिस्ट मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट है इसी तरीके से हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं हम मुसलमान हम अल्लाह की तारीफ करते हैं अल्हदल्हि रबी और रहीम मालिक्दीन सब तारीफ करते हैं अल्लाह की जब हम तारीफ़ करते हैं कि वो हाकिम है वो रहमत वाला है वो सबसे बड़ा है सबसे ज्यादा जानने वाला है तो अल्लाह को तो फर्क नहीं पड़ता है लेकिन हम जब उनकी तारीफ करते हैं उस अल्लाह की तो अल्लाह जो अपनी किताब कुरान मजीद में हिदायत दे रहा है हम उसके ऊपर अमल करते हैं हम जब उसकी तारीफ करते हैं तो जाहिर है कि उसकी हिदायत के ऊपर भी अमल करेंगे तो हम तारीफ कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए हम उसकी इबादत कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए अल्लाह को फर्क नहीं पड़ता अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है हमें अल्लाह की जरूरत है तो हम जब तारीफ करते हैं हमें पता चलता है कुरान में अल्लाह कहते हैं शराब मत पियो तो हम शराब पीना छोड़ देते फायदा किसका होता अल्लाह का फायदा होता है हमारा हम बीमारी से बचते सिरोसिस ऑफ लिवर से बचते हैं कैंसर ऑफ ऑफिस से बचते कैंसर ऑफ लिवर से बचते मैं सैकड़ों बीमारी के नाम ले सकता हूँ डॉक्टर होने के लायक अगर आप शराब नहीं पीते अल्लाह ताला कहता है कि जुआ मत खेलो फायदा किसका है हमारा अल्लाह का थोड़ी तो हम अल्लाह की इबादत करते हैं हमारे फायदे के लिए ताकि हम आखिरत में सफलता पाए अल्लाह ताला कहते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में अल्लजी खलकल मौत अवल हयात अल्लाह ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान ले कि हम में से कौन अच्छा है और हम इस इम्तिहान में सफलता पा सके तो हम अल्लाह की इबादत करते हमारे फायदे के लिए अल्लाह को कोई फर्क नहीं होता क्वेश्चन माइक नंबर दो से हमारे भाई सवाल करें मेरी गुजारिश है इस तरफ अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हमारे हैं तो पहले उनको सवाल करने का मौका दें मेरा नाम सतीश सिंह है मैं पहले तो डॉक्टर जाकिर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने आज बहुत अच्छी तकरीर की मेरा सवाल यह है माना जाता है कि वेद ये सबसे पुराने हैं और अक्सर ये कहा जाता है कुरान की जो किताब है ये पहली और आखिरी किताब है इन दोनों में फर्क क्या है भाई साहब ने सवाल पूछा है कि वेद बहुत पुरानी किताब है वेद पहली आए कुरान बाद में आया तो वेद और कुरान में फर्क क्या है और अब ये भी पूछ सकते हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि वेद खुदा का कलाम है वेद जैसे कि मैंने कहा मेरे तकरीर में लोग को यह नहीं पता कि वेद कब आया वजूद में लेकिन अक्सर हिंदू स्कॉलर्स कहते हैं कि यह तकरीबन चार हजार साल पुरानी किताब है कुरान मजीद एक हजार चार सौ साल पुरानी है तो ज़ाहिर है कि वेद पहले आया कुरान मजीद में लिखा है सूरह रौद में सुरान नंबर तेरह आयत नंबर अड़तीस में लिकुल अजलिन किताब हर दौर में अल्लाह ने एक किताब नाजिल की नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है तोरा जबूर इंजिल कुरान तोरा वो वही है वो किताब है जो अल्लाह ताला ने मूसा सलाम पे नाजिल की जबूर वो किताब है वो वही है जो दाऊद सलाम पे नाजिल की इंजील वो किताब वो वही है जो अल्लाह सुबहाना ने ईसा सलाम पे नाजिल की और कुरान मजीद अल्लाह सुबहाना तक आखिरी किताब आखिरी वही है जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल की लेकिन नाम से सिर्फ चार किताबों का जिक्र है कुरान में लेकिन कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला ने कई किताबें भेजी सूफ इब्राहिम और कई किताबें तो आपका सवाल है वेद और कुरान में फर्क क्या है जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले आए वो सिर्फ अपने लोगों के लिए आए थे और वो सारा पैगाम जो किताब में लिखा है उस किताब में वो महदूद था सिर्फ एक वक्त के लिए मिसाल के तौर पर इंजील नाजिल किया अल्लाह ने ईसा सलाम पर सिर्फ था बनी इसराइल के लिए सारे इंसानियत के लिए नहीं था लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी किताब है अल्लाह की वो सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं सारे इंसानियत के लिए है पहला नुक्ता यह जानना चाहिए कि वेद का जिक्र कुरान में नहीं है लव से यह कहा गया है कि हर दौर में किताब आई तो जाहिर है कि हिंदुस्तान में भी शायद कोई किताब आई कौन सी किताब है हमें नहीं पता वेद का जिक्र ना कुरान में है ना सही हदीस में लेकिन इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि वेद खुदा का कलाम है सौ फीसद नहीं कह सकता हूं क्योंकि नाम से वेद का जिक्र कुरान में मौजूद नहीं मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है मे भी वेद खुदा का कलाम है हो सकता है नहीं भी हो सकता मुझे नहीं पता लेकिन अगर वेद अल्लाह का कलाम था अगर मान लो बहस के तौर पे इफ वी अग्री फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या वेद खुदा का कलाम है तो सिर्फ वो उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था आज के लिए नहीं आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम आखिरी किताब कुरान मजिद में वेद अगर मान लो खुदा का कलाम था भी तो सिर्फ उस वक्त के लिए था और उन लोगों के लिए था और जितने भी किताबें कुरान मजिद के पहले आए उसमें मिलावट हो चुकी है चाहे वो बाइबल हो चाहे वो वेद हो हिंदू धर्म के स्कॉलर्स कहते वेद में बहुत मिलावट है वेद में कई चीजें हैं जो मैं मान नहीं सकता सही है कितने अनसाइंटिफिक चीजें हैं कॉन्ट्रोडिक्शन है तो मैं डॉक्टर होने के लिहाज से ये नहीं मान सकता हूं ये गलतियां खुदा के नाम पे नहीं लिख सकता हूं मैंने मेरे तकरीर में सिर्फ वेद की अच्छी बातें बयान की जो बातें कुरान से मिलती है कुरान के और एक नाम है फुरकान फुरकान मतलब हक और बातिल के दरमियान फर्क करने की किताब तो जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए क्या ये पोर्शन ये भाग वेद का खुदा की तरफ से है लेकिन पूरी किताब जितने भी किताबें कुरान के पहले आए दौर के वजह से साल गुजरने के वजह से उनमें मिलावट आ चुकी है लेकिन कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सुरह हिजर में सुरा नंबर पंद्रह आयत नंबर नौ में हमने कुरान नाजिल किया और हम कुरान की हिफाजत करेंगे इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी उन लोग के लिए थी आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद चाहे आप सऊदी में जी रहे हैं या अमेरिका में या हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में आपको मानना चाहिए आखिरी किताब अल्लाह की खुदा की कुरान इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था क्या मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे पैगंबर है कुरान में आता है सुरे फातिर सुरा नंबर पैंतीस सात नंबर चौबीस में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है नाम से सिर्फ पच्चीस पैगंबरों का जिक्र है कुरान में सिर्फ पच्चीस लेकिन हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि अल्लाह ने इस जमीन पे एक लाख चौबीस हजार पैगम्बरों को भेजे हैं नाम से सिर्फ पच्चीस का जिक्र है तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं कुछ लोग कहते हैं राम अले सलाम राम अले सलाम मैं नहीं कह सकता वो पैगंबर हो भी सकते नहीं भी हो सकते लेकिन अगर वो पैगंबर थे तो सिर्फ उस वक्त के लिए थे और उन लोगों के लिए थे जितने भी पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लास के पहले आए सिर्फ उन लोगों के लिए थे आज हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लाम पे सारी दुनिया को सारी इंसानियत को

जैसे मैंने कहा हिंदू के दो डेफिनेशन जोग्राफिकल वाइज बेशक मैं हिंदू हूं क्योंकि मैं भारत देश में रहता हूं ज्योग्राफिकल हिंदू के मानी वो शख्स जो नदी सिंधु या नदी इंडस के पास रहता है और मैं इस देश में रहता हूं और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं इंडियन हूं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन अगर मैं इसका तर्जुमा करता हूं तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं लेकिन रिलीजियसली अगर आप मुझसे पूछते हैं क्या मैं हिंदू हूं क्या मैं हिंदू धर्म की किताबों में मानता हूं सारे चीजों पे अमल करता हूं तो मैं धार्मिक तौर से हिंदू नहीं हूं क्योंकि मैं मुताला कर चुका हूं इसमें कई चीजें सही भी कई गलत भी है कई टकराव है तो इसको मैं कबूल नहीं कर सकता तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं धार्मिक तौर से मैं हिंदू नहीं हूं ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूँ और साथ साथ मजहबी मैं मुस्लिम हूँ क्योंकि मैं सारी ख्वाहिश सारी रजा मेरी अल्लाह के हवाले कर चुका हूँ उसे कहते हैं मुस्लिम सो आई एम अ मुस्लिम रिलीजियसली जॉग्राफिकली आई एम एन इंडियन विच यू कैन से जोग्राफिकली आई एम बट नॉट रिलीजियसली and my question to you is, though there are many similarities in islam and hinduism, when a muslim girl marries a hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to islamic way of living. yet, when a muslim boy marries a hindu girl, converts her to islam, but later on she never accepts islamic etiquettes. Uh, so what should be done? प्लीज कैन यू सजेस्ट स्टेप्स और ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं लेकिन जब एक मुसलमान खुतिन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है ये गलत फहमिया हैं। सही में हमें देखना चाहिए के कुरान में क्या लिखा है कुरान में लिखा है सोरे बकरा में सुना नंबर दो आयत नंबर दो सौ इक्कीस में के ए मोमिनो ए मुसलमानों कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान ना लाए एक मुसलमान औरत ईमान वाली औरत चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो चाहे वो झाड़ू वाली हो वो एक मश्रक से बेहतर है अगर आपको कोई मुशरक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए मुस्लिम औरत से कीजिए अगर मुशरक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है कितनी भी बदसूरत हो लेकिन अगर एक मश्रका है चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में सबसे मालदार हो एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुश्रिका से बेहतर है उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत एक मुस्लिमा, मुस्लिम मुस्लिम औरत कोई मुशरक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो बदसूरत हो लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत या मर्द कोई भी मुशरक से कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए तो दोनों केस में इक्टिव वेदर द मुस्लिम इज अ गर्ल और अ बॉय दे मैरी द ऑपोजिट पार्टनर शुड बिकम अ मुस्लिम इसकी वजह ये है मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चली नहीं सकती इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिरक नहीं करना चाहिए और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए अगर मेरा लाइफ पार्टनर अगर मेरी अर्धांगनी अर्धांगनी बोलते बेटर हाफ को बेटर हाफ अगर मेरा बेटर हाफ जन्नत में जाएगा तो कैसा शोहरू में इफ आई लव माई वाइफ आई लाइक माई वाइफ टू गो टू जरना हम जब कहते हिंदी में अर्धांगी बेटर हाफ इन इंग्लिश पत्नी बीवी हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते चाहे वो लड़की या लड़का हो मर्द या औरत हो पहले हमें यह जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते होप द क्वेश्चन। सर, मैं रविंद्र शेडगे स्टूडेंट हूं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों रिलीजन में आपने इतनी सिमिलरिटी बताई तो कभी ना कभी ये लोग एक छत के नीचे हो सकते हैं तो बायसन उनमें कब से हुआ भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा कि इतने सिमिलैरिटीज है हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में तो ये बाइफरकेशन कब हुआ एक छत में क्यों नहीं रह सकते थे ये बाइफरकेशन किया अंग्रेज ने मैंने तकरीर के आखिर में कहा था ये अंग्रेज इसके जिम्मेदार है उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल नहीं तो आम तौर पे मेरे बहुत से हिंदू दोस्त हैं हिंदू भाई मेरे दोस्त हैं कभी मुझसे नफरत नहीं करते कई हिंदू मुझे टीवी पे देखते मैं हिंदुजम के बारे में तकरीर करता हूं जब मुझे देखते हैं तो मेरी इज्जत करते कस्टम में जब मैं बाहर देश से आता हूं ओ डॉक्टर जाकिर नाइक जो भी कहेंगे सच कहेंगे सच, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे जैसे कि मैं कोर्ट में जाके किताब के पर हाथ रख रहा हूं वो जानते हैं मैं मुसलमान हूं मेरी टोपी मेरी दाढ़ी कोई भी मुझसे ये नहीं कहेगा कि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूं लेकिन मेरी इज्जत करते क्यों क्योंकि मैं हकी बात करता हूं ये अंग्रेज लोग ने चिंगारी डाली और हमें बटवाया लेकिन वो जिम्मेदार है दूसरे जिम्मेदारी हमारी भी है अगर कोई हमें झगड़ा पैदा करना चाहता है और हम उसके जाल में आ जाते तो गलती हमारी भी है अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी गलत चीजें छोड़ गए इसीलिए मैं कहता हूं पॉलिटिशियन से आप दंगे फसाद क्यों करते क्यों करते लेकिन मेरी यह दरखास्त है कि कम अज कम आप अपनी धर्म की किताब को पढ़ो इख्तलाफ है मैं ये कहूंगा कि हिंदू धर्म और मजहब इस्लाम में इख्तिलाफ नहीं है तो मैं सबसे बड़ा झूठा हूं यू नो इंटरफे डायलॉग होते सारे सर्वधर्म एक वो हिंदू आके कहता है कि हिंदू भी सही ईसाई भी सही इस्लाम भी सही ईसाई प्रीस्ट आके कहता है सारे धर्म एक है हिंदू भी एक है क्रिश्चियनिटी भी एक है इस्लाम भी एक है कोई मुस्लिम को पकड़ते बकरे को स्टेज पे लेके आते वो मुस्लिम भी कहते हैं सारे धर्म एक है हिंदू भी एक क्रिश्चियनिटी भी एक और इस्लाम भी एक मैं कहूंगा वो हिंदू पंडित से क्या आप इस्लाम कबूल करेंगे वो कहेगा नहीं वो क्रिश्चियन से आप हिंदू बनेंगे वो कहेगा नहीं मैं कहूँगा मुसलमान से क्रिश्चियन बनेंगे वो कहेगा नहीं मैं ये कहता हूं इख्तलाफ तो है कम अज कम वो चीज जो यक्सा है सारे धर्मों में उसके ऊपर कम अज कम हम अमल करें मेरी एक दरखास्त है कम अज कम आप इतना मान लो कि दुनिया में कम अज कम एक किताब खुदा की है और सौ फीसद सही है हिंदू बोलेगा मुझे ऐतराज नहीं वो हिंदू कहेगा मुझसे मुझे ऐतराज नहीं वेदा पूरी सही किताब है वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे ऐतराज नहीं बाइबल को मानने में बाइबल खुदा की किताब है सौ फीसद सही मुस्लिम आके कहेगा कुरान सही है किसी को ऐतराज नहीं मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं फिर मैं कहता हूं कि जो ये तीनों किताबों में यकसा है बाइबल में वेद में कुरान में कम अज कम उसके ऊपर तो अमल करो बाइबल में भी लिखा हुआ है वेद में भी कुरान में भी खुदा एक है ना खुदा का लड़का है ना खुदा का वालिद है ना जना है ना किसी को जनता है बुध परस्ती आराम में बाइबल में भी लिखा है वेद में भी लिखा है कुरान में भी लिखा है पैगंबर आने वाले बाइबल में लिखा है कुरान में वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले वो भी लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमल करो वो भी लिखा है तो जो चीज इख्तलाफ की उसको छोड़ दो कम अज कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो तो मैं झूठ मूठ का यह नहीं बोल रहा कि सारे धर्म एक है मैं तब मजाब काम हूं अगर मैं ऐसा कहूंगा तो सबसे बड़ा झूठ कह रहा हूं मैं ये कहता हूं कि आपके किताब का मुताला करो कम अज कम जो चीज यकसा है उसके ऊपर अमल करो जो डिफ्रेंस है इख्तलाफ है उसको बाद में देखेंगे तालाबिला आओ हम उस बात की तरफ जो पर यक्षा है सबसे पहली बात अल्लाह नामुद्ला हम इबादत करें सिर्फ अल्लाह की और किसी की नहीं सिर्फ खुदा की तो मैं ये कह रहा हूं कि यकसानियत है उसको हम जाने उसके ऊपर अमल करें और अगर आप वेद पढ़ेंगे वेद में लिखा हुआ है एक आने वाला है पैगंबर उसका नाम है नरश वो कौरमा है एक कल के अवतार आने वाला है वो आपको सीधे रास्ते पे लेके जाएंगे कल के अवतार मोहम्मद उस पर नाजिल कुरान तो मैं कह रहा हूं कि वेद की कम से कम तहकी करो हिंदू धर्म की किताब की तहकी करो और फिर हम मिलजुल एक छत में रह सकते और हमारे देश को आगे बढ़ा सकते माइक पे सवाल और जवाब का सिलसिला खत्म हुआ पेपर स्लिप्स पे आए हुए सवाल के जवाब हम डॉक्टर साहब से लेंगे पहला सवाल भाई तुषार दीक्षित का है आप पूछते हैं कि आपने तो अपने भाषण में ईमान के पिलर्स के बारे में बताया क्या इसी तरह इस्लाम के पिलर्स के बारे में कुछ है जो हिंदू धर्म से समानताएँ रखती हैं भाई तुषार का सवाल था कि मैंने तकरीर में इस्लाम में जो ईमान के अरकान हैं और हिंदू धर्म में इन दोनों के बीच जो अक्सानियत है उसका जिक्र किया क्या हिंदू धर्म और इस्लाम के अरकान में अकसानियत है कोई जैसे मैंने तकरीर में फरमाया था कि सारी अफसानियत का जिक्र करने का वक्त नहीं था लेकिन जब हम तहकीक करते हैं इस्लाम में जो पिलर्स है इस्लाम में जो, है, जो अरकान हैं और हिंदू धर्म में यकसानियत काफ़ी है अल्लाह के रसल मोहम्मद फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर एक किताबुल ईमान चैप्टर नंबर एक हदीत नंबर आठ में इस्लाम पांच अरकान पे मबनी है इस्लाम के पांच अरकान है नंबर एक लाला मोहम्मद रसुल्ला तोहद के बारे में नंबर दो सलाह नंबर तीन जक़ात नंबर चार सोम और नंबर पांच हज पहले रुकन का जिक्र तो तकरीर में कर चुका हूं मैं ला मोहम्मद रसोल्ला खुदा एक है हमें बुतप्रस्ती नहीं करना चाहिए और सिर्फ खुदा की इबादत करना चाहिए और आखिरी पैगंबर है दूसरा रुकन इस्लाम का है अकीम टू तो एस्टैब्लिश सलाह सलाह के तफसील करने का वक्त नहीं है लेकिन सलाह का अहम जो भाग है वो है सजदा और सजदा का जिक्र कुरान मजीद में 92 टाइम्स आता है और अल्लाह ताला फरमाते हैं सुर अल इमरान में सुबह नंबर तीन आयत नंबर 43 में या मर या रब्बी की वजुदी मर कई रहा यक़ीन ए मेरी आप सजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू करते हैं अल्लाह ताला फरमाते सुर हज में शरा नंबर 22 आयत नंबर 77 में या में यादिन ऐ ईमान वालो रुकू करो और सजदा करो और अल्लाह की इबादत करो ताकि आप सफलता पाए सजदा का कई जगह जिक्र है जब हम हिंदू धर्म की किताब पढ़ते हैं हिंदू धर्म की किताब में जिक्र आता है शाष्टांग का शाष्टांग के मानी क्या है सा, आश और अंग। सा के साथ आष्ट आया है आष्ट की मानी है आठ और अंग की मानी है जिसम का हिस्सा तो शाष्टांग मानी है आठ जिसम के हिस्से उसका मतलब है जब अल्लाह की इबादत करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं, तो आठ जिसम के हिस्से लगना चाहिए अफसोस की बात है जब हम हिंदू को देखते हैं, साक्षतान करते हुए पूरा जमीन पे लेट जाता है सारा बदन जमीन पे लगता है लेकिन सही लफ्ज की मानिए आठ हिस्से बदन के लगना चाहिए जब हम सजदा करते हैं तो हमारे आठ बदन के हिस्से लगते हैं जमीन को माथा नाक दो हाथ दो घुटने और दो पैर आठ हिस्से हम जब सजदा करते हैं उसी तरीके से इबादत का तरीका दिया गया है हिंदू धर्म की किताबों में तीसरा रुकन जकआत के हर मुसलमान जो पचासी ग्राम एटी फाइव ग्राम सोना से ज्यादा उसके पास बचत है उससे हर कमरी साल अढ़ाई फीसद खैरात में देना चाहिए और जक़ात की मानी है टू ग्रो टू प्योरीफाई बढ़ावा पाक करना अगर हर अमीर इंसान दुनिया में जक़ात दे तो गरीबी हट जाएंगी कोई भी इंसान भूख के मारे नहीं मरेगा और कुरान में आता है अल अलहशर में सूरा नंबर फिफ्टी नाइन आयत नंबर सात में कि जक़ात इसलिए है ताकि वेल्थ जायजाद माल सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे। द वेल्थ डज नॉट सर्कुलेट ओनली अमंग्स द रिच और जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद में किताब नंबर दस पाठ नंबर एक सौ सत्रह मंत्रा नंबर पांच में लिखा है कि आप दान दो क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो आज एक इंसान के पास है कल दूसरे इंसान के पास है जिस तरीके से गाड़ी का पहिया घूमता है उस तरीके से माल घूमता है खैरात के बारे में भगवत गीता में भी जिक्र है पाठ नंबर 16, श्लोक नंबर 3 में और भगवत गीता पाठ नंबर 17, श्लोक नंबर 20 में है कि खैरात करो चौथा अरकान सोम हर बालिग मुसलमान को जिसकी सेहत अच्छी है उसे रोजा रखना चाहिए खाना और पीना से परहेज करना चाहिए फजर से मगरिब तक और पूरे रमजान के महीने तक और कुरान में जिक्र आता है सूरह बकरा में सुरान नंबर दो आयत नंबर एक सौ तेरासी में हंड्रेड एंटी थ्री में फास्टिंग प्रिस्क्राइब टू यू एज इट वॉज प्रिस्क्राइब टू दो यू सो दैट यू मे लर्न सेल्फ रिस्टेन रोजा आप पर फर्ज करार दिया है जिस तरीके से पहले लोगों पर फर्ज करार दिया गया था ताकि आप लोग परहेजगार बनो रोजा इसीलिए करार दिया गया है फर्ज ताकि लोग परहेजगार बने आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इफ यू कैन कंट्रोल हंगर यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिजायर अगर आप भूख पे काबू पा सकते हैं तो आप अपने सारे ख्वाहिशों पर काबू पा सकते हैं रोजे रखने के कई फायदे हैं। अगर आप सही तरीके से रोजा रखें, जिस तरीके से इस्लाम में जिक्र आता है पूरे महीने तक एक कमरी महीने तक तो साइंस आज कहती है आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्बशन बढ़ता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है और रोजे में रमजान के महीने में कई गलत आदतें आपके दूर हो जाती है अगर आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं फजर से लेके मकरब तक फिर इन शाह पैदाइश से मौत तक के आप सिगरेट पीने की जरूरत नहीं आपको अगर आप शराब से परहेज कर सकते हैं फजर से लेके मकरब तक तो शराब को आपको छूने की जरूरत ही नहीं पैदाइश से मौत तक के रोजे का जिक्र हिंदू धर्म की किताबों में भी है लेकिन हिंदू धर्म में कई किस्म के रोजे है एक किस्म जिसका जिक्र आता है मनुस्मृति में पाठ नंबर छह श्लोका नंबर चौबीस में लिखा है आप रोजा रखो एक महीने तक बाकी कई किस्म के रोजे मौजूद है हिंदू धर्म की किताबों में जब आप पढ़ते मनुस्मृति उसमें जिक्र आता है रोजे का पाठ नंबर चार और श्लोक नंबर दो सौ बाईस में और पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 204 में भी पांचवा रुकुन इस्लाम का पांचवा रुकन है हज हर बालिक मुसलमान को जो हैसियत रखता है माली और सेहती उसे कम अज कम जिंदगी में एक बार हज करना चाहिए जिसके मानी उसे मक्का जाना चाहिए हज के महीने में और हज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आलमी भाईचारे का बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड यूनिवर्सल ब्रदरहुड तकरीबन 25 लाख लोग आते हैं मुख्तलिफ मालिक से अमेरिका से इंग्लैंड से इंडिया से पाकिस्तान से इंडोनेशिया से मलेशिया से और मर्द पहने होते दो सफेद कपड़े बिना सिलाए हुए आप ये नहीं पहचान सकते आपके पास जो खड़ा है वो राजा है या फिर है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूनिवर्सल ब्रदरहुड का आलमी भाईचारे का और कुरान मजीद में लिखा है सुरे हुजरात में सरा नंबर उनचास आयत नंबर 13 में या नासन शबाला खबीर ए इंसानो हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से मर्द और औरत के और हमने आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको ना आप एक दूसरे से नफरत करें और आप में सबसे अच्छा इंसान वो है जो तकवा रखता है अल्लाह ताला के नजदीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं होता है जात पात की बुनियाद, बुनियाद, बुनियाद पर माल की बुनियाद पर उम्र की बुनियाद पर जिन की बुनियाद पर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो राजा या फकीर सफेद या काला पीला या घुआ अल्लाह ताला के नज़दीक एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा हो सकता है सिर्फ तखबे की बुनियाद पे, सिर्फ नेकी की बुनियाद पे, और हिंदू धर्म की किताबों में भी कई तरह के तीर्थ है, है तीर्थ यात्रा है एक जिक्र है ऋग्वेद में किताब नंबर पाठ नंबर उन्तीस में मंत्र नंबर चार में जिसमें लिखा है के पे जाओ जो नभा पृथ्वी में है इलेसपद की मानी संस्कृत में है इले मतलब खुदा स्पद मतलब जगह खुदा की जगह और जब डिक्शनरी में देखेंगे लिखा है इलेसपद मतलब एक तीर्थ यात्रा की जगह खुदा की जगह और लिखा ये जगह ये पद है नबा पृथ्वी में नबा पृथ्वी की मानी सेंटर ऑफ द अर्थ जमीन के बीच इस पृथ्वी के बीच और हम जानते हैं मक्का पृथ्वी के बीच में मक्का इज़ इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड और ये पद जो खुदा की जगह का जिक्र है हमें पता लगता है ये मक्का के बारे में कह रहे हैं और जब आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद किताब नंबर तीन में पाठ नंबर उन्तीस मंत्रा नंबर ग्यारह में हमें यकीन होता है कि यह मक्का है क्यों इसमें जिक्र आता है नारा शंशा का जो मैं दक्षिण में, में कहा नारा शंसा वह आदमी जो प्रशंसा के लायक है तारीफ के लायक है जिसके मानी मोहम्मद सल्लाम तो जब इलास पद आया नबा पृथ्वी आए मोहम्मद सल्ला तो कोई शक नहीं बाकी रहता है कि ये जगह जिसका जिक्र है वेद में वो है मक्का के बारे में यह साथ था इस्लाम के अरकान और हिंदू धर्म के बीच में अक्सानियत भाई पुरुषोत्तम का सवाल है हमारे हिंदू धर्म के पंडित आचार्य ये जानते हैं कि वेद और हिंदू धार्मिक किताबों में मूर्ति पूजा मना है लेकिन हम शुरू में इतने मजबूत नहीं रहते इसलिए हमारे जहन को कंसंट्रेट करने के लिए मूर्ति की जरूरत पड़ती है जब जहन मैच्योर हो जाए तब मूर्ति की जरूरत नहीं भाई ने सवाल पूछा था कि हम जानते हैं हिंदू धार्मिक किताबों में लिखा है कि मूर्ति पूजा हराम है मना है लेकिन क्योंकि कंसंट्रेशन के लिए पहले पहले हम मूर्ति का सहारा लेते हैं बाद में जब हम मेच्योर हो जाते तो जरूरत नहीं अगर मान लो जो आप कह रहे सही है कि पहले पहले इनिशियल स्टेज में आपको जरूरत है मूर्ति की इबादत करने के लिए बाद में जब मेच्योर हो जाएंगे तो जरूरत नहीं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान ऑलरेडी मेच्योर हो चुके हैं हमको मूर्ति की जरूरत नहीं इबादत करने के लिए और एक वक्त एक समय एक पंडित मुझसे बहस कर रहे थे और कह रहे थे यही चीज कि मैं जानता हूं कि मूर्ति पूजा हराम है गलत है लेकिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जरूरत पड़ती मिसाल दी कि जब एक छोटा बच्चा पूछता है ये थंडर क्यों है बादल क्यों गड़गड़ाहट हैं, है ये जब थंडर सुनते ना या आसमान से आवाज जो आती है गड़गड़ाहट की क्या है ये तो पंडित कहने लगा हम कहते हैं बच्चे से क्योंकि वो नहीं समझ पाता है कि आई माँ चक्की पीसती है आसमान में आई माँ नानी चक्की पीस रही है क्योंकि बच्चा है क्या समझेगा तो मैंने उससे कहा कि आप तो ये जवाब दे सकते हैं लेकिन मैं ये जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं अगर मेरे बेटे से कहूंगा कि ये ठंडर जो है थंडर है इसीलिए क्योंकि आई माँ चक्की पिसती है और जब वो स्कूल में जाएगा और चंद साल बाद ये सीखेगा कि थंडरिंग इज ड्यू टू तो सडन एक्सपेंशन ऑफ द हीटेड एयर उसके वजह से ये थंडर है तो वो सोचने लगेगा कि टीचर गलत बोल रही है जब उसे पता लगेगा टीचर सही बोल रही है फिर बोलेगा मेरा पिता झूठ बोल रहे थे इस्लाम में झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं हक पूछने के लिए झूठ की जरूरत नहीं हमें साफ साफ कहना चाहिए हमें कहना चाहिए अच्छे अंदाज में क्यों ठंडर होता है जब गलत जवाब देंगे तो कल पकड़े जाएंगे और फिर सही नहीं होगा हमें अच्छे अंदाज में समझाना चाहिए हमारे बेटे को अगर हमें नहीं पता क्यों है तो बोलिए हमें नहीं पता लेकिन आज के बच्चे पूछेंगे अब्बा आपको क्यों नहीं पता वो हमें मजबूर करते हैं तहकीक करने पे तो इस्लाम में सफेद झूठ भी जायज नहीं है और पंडित कहने लगा कि इनिशियल स्टेज में जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है तो उस टाइम हम उन्हें इबादत के लिए आइडल का सहारा लेने के लिए, के लिए कहते हैं मूर्ति का सहारा जब वो ग्रेजुएट बनता है उस टाइम उसे जरूरत उस नहीं पड़ती मूर्ति की तो मैं उस पंडित से कहा जब भी हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड में बेसिक्स फंडामेंटल सिखाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में वो मजबूत होना चाहिए जब फंडामेंटल गलत है तो इमारत तो बिल्कुल गलत होगी फंडामेंटल कभी गलत नहीं हो सकते मैथ जब सिखा रहे तो आप ट्रिग्नोमेट्री लॉग करते तो बाद में सिखाई एल लेकिन बेसिक तो सही सिखाइए फर्स्ट और सेकंड में टू प्लस टू इक्वल टू फाइव में कहूंगा नो प्रॉब्लम आप जब टेन्थ स्टैंडर्ड में उस टाइम में कहूंगा टू प्लस टू इज नॉट इक्वल टू फाइव इक्वल टू फोर ये गलत है हमें बुनियादी बात सही तरीके से पढ़ाना चाहिए और वेद में बुनियादी बात है कि ईश्वर खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है कोई भी आइडल नहीं है कोई भी इमेज नहीं है तो ये हम किस तरीके से कह सकते कि पहले चलेगा बाद में मैं सही करूं जो चीज गलत है गलत है ये हमारा फर्ज है क्या उनको बताए कि आइडल वर्शिप गलत है बुद्ध परस्ती गलत है और सही चीज है कि सिर्फ हम एक खुदा की इबादत करें जिसका कोई भी प्रतिमा नहीं है क्वेश्चन। अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं जैसे अंग्रेजी में वाटर हिंदी में पानी तमिल में तन्नी वगैरह तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता तो फिर गॉड को जीसस बोलो अल्लाह बोलो या राम बोलो तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा वो तो एक ही होगा सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं पानी को हो हिंदी में या वाटर को इंग्लिश में या तन्नी टमिल में वो सेम है कुछ फर्क पड़ता नहीं इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड को हो या जीसस को हो या अल्लाह को हो या राम कहो एक ही है इस सवाल पर जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफ़ानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए मुख्तु ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम होते हैं मिसाल के तौर पर पानी कहते हिंदी में इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर और गुजराती में कहेंगे जल तमिल में कहेंगे तन्नी अरबिक में कहेंगे मोए लेकिन शर्त ये कि पानी को ही कह सकते हैं वाटर या तन्नी या मॉय जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वाटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में एक गिलास पानी पियो लेकिन जब मैं पानी पीता हूं कोशिश करता हूं तो उल्टी आती है तो मैंने पूछा क्यों आती है तो उसने कहा नहीं वो पानी में बदबू आती है उस पानी का रंग पीला है फिर समझ में आता है हाँ ये पानी नहीं कुछ और चीज पी रहा है पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और पी रहा है कुछ और कह रहा है पानी तो लव कहना चाहता हूं वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी नहीं वो पिशाब तो पानी को पानी को तनी को वाटर को चलेगा लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है कौन आदमी पेशाब को पानी कह सकता है मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जो भी आदमी को बुद्धि है वो कभी भी गलत फैमी में पेशाब को पानी नहीं कहेगा उसी तरीके से वेद में कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है ईश्वर की प्रतिमा नहीं है बुद्ध पर मत करो फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते इंटेलिजेंट है डॉक्टर्स इंजीनियर है फिर भी करते अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती मिसाल के तौर पर सोना हिंदी में हम कहते हैं सोना अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड अरबी में कहते हैं जहाब लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले, ले लेते आप पहले परखते हैं कि वो सोना है क्या नहीं अगर कोई आदमी बोला कि ये सोना है तो क्या पैसे देकर ले लेते आप परखते हैं विद और वो जौहरी आपको साबित करता है क्या ये सोना है और वो घिस्सता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि चौबीस कैरेट गोल्ड है या बाईस कैरेट गोल्ड है या बीस कैरेट है या अठारह कैरेट है या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है होती जिस चीज को आप खुदा कहते हैं कोई भी नाम से बुलाओ अल्लाह तला फरमाते आयत नंबर एक सौ दस में कुलदुल्लाहमान तदू फल आप पुकारो अल्लाह से रहमान से कोई भी नाम से पुकारो लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम है लेकिन आप पहला जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं और जांचने का तलिस्मा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है खिलास नंबर एक नंबर बारह आयत नंबर एक से चार कुल हो अल्लाह एक है अल्लाह समद अल्लाह जो बेनियाज है ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है वलम ये यकुल्लहुक उसके जैसा कोई नहीं है ये है चार आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए उसका इम्तहान लीजिए सुर इखलास के बुनियाद पर अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूर्य इखलास के बताए हुए चार आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है वरना गलत है खूब क्वेश्चन अगला सवाल प्रकाश कुलकर्णी का है वो पूछते हैं पानी को हम अलग अलग जबानों में पुकारते हैं जैसे अंग्रेजी में वाटर हिंदी में पानी तमिल में तन्नी वगैरह तो पानी अलग अलग तो नहीं हो जाता तो फिर गॉड को जीसस बोलो अल्लाह बोलो या राम बोलो तो वो अलग अलग कैसे हो जाएगा वो तो एक ही होगा सवाल है भाई साहब का कि पानी को मुख्तलिफ नामों से पुकार सकते हैं? पानी को हिंदी में या वॉटर को इंग्लिश में या तन्नी टैमिल में वो सेम है कुछ फर्क पड़ता नहीं इसी तरीके से भगवान को आप खुदा को गॉड कहो या जीजस कहो या अल्लाह कहो या राम को एक ही है इस सवाल पर जब गौर किया जाए तो मैं मानता हूँ कि मुख्तलिफानों में अलग अलग दिगर नाम होते हैं एक वही चीज़ के लिए एक चीज़ के लिए मुख्तलिफ़ानों में मुख्तलिफ नाम होते हैं मिसाल के तौर पर पानी कहते हिंदी में इंग्लिश में हम कहेंगे वाटर और गुजराती में कहेंगे जल तमिल में कहेंगे तनी अरबिक में कहेंगे मोय लेकिन शर्त यह कि पानी को ही कह सकते हैं वॉटर या तन्नी या मोए जो पानी नहीं उसको अगर कहेंगे वॉटर या जल या तनी तो गलत हो जाएगा मिसाल के तौर पे एक मेरा दोस्त मुझसे कहता है कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि रोज सुबह में एक गिलास पानी पियो लेकिन जब मैं पानी पीता हूं कोशिश करता हूं तो उल्टी आती है तो मैंने पूछा क्यों आती है तो कह नहीं वो पानी में बदबू आती है उस पानी का रंग पीला है फिर समझ में आता है हाँ ये पानी नहीं कुछ और चीज पी रहा है पानी कह रहा है लेकिन पी रहा है कुछ और पी रहा है कुछ और कह रहा है पानी मैं तो कहना चाहता हूं वो पानी जिसको कह रहा है वो पानी नहीं वो पिशाब तो पानी को पानी को तनी को वाटर को चलेगा लेकिन गलत चीज को अगर आप पानी कहेंगे तो वो सही नहीं लोग कहेंगे ये कैसी मिसाल है कौन आदमी पिशाब को पानी कह सकता है मैं जानता हूं कि आम कोई भी इंटेलिजेंट आदमी जो भी आदमी को बुद्धि कभी भी गलत फहमी में पिशाब को पानी नहीं कहेगा उसी तरीके से वेद में कुरान में साफ तरीके से लिखा है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं है ईश्वर की प्रतिमा नहीं है बुद्ध पर मत करो फिर भी हम जानते हैं कि सैकड़ों हजारों करोड़ों लोग मूर्ति पूजा करते इंटेलिजेंट है डॉक्टर्स या इंजीनियर है फिर भी करते अगर हमें कोई चीज मुख्तलिफ नाम से बुलाई जा सकती मिसाल के तौर पर सोना हिंदी में हम कहते हैं सोना अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड अरबी में कहते हैं जहाब लेकिन जब आप सोना खरीदने जाते हैं वो आदमी सोना कहता है तो आप थोड़ी ले, ले लेते आप पहले परखते हैं कि वो सोना है क्या अगर कोई आदमी बोला कि यह सोना है तो क्या पैसे दे ले लेते आप परखते हैं विद जोहरी आपको साबित करता है कि ये सोना है और वो घिसता है और फिर कहता है कि ये सोना हो सकता है कि 24 कैरेट गोल्ड है या 22 कैरेट गोल्ड है या 20 कैरेट है या 18 कैरेट है या हो सकता है कि वो सोना ही नहीं है क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती एवरीथिंग दैट लिटर इज नॉट गोल्ड तो इसीलिए जिस चीज को आप खुदा कहते हैं कोई भी नाम से बुलाओ अल्लाह तला फरमाते सुर इसरा में सुरह नंबर सत्रह आयत नंबर एक सौ दस में कुलिदुल्ला अबिदुररमान तदू फल हस्ना आप पुकारो अल्लाह से रहमान से कोई भी नाम से पुकारो लेकिन अल्लाह के सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत नाम है लेकिन आप पहला ये जांच लो कि वो खुदा असल खुदा है कि नहीं और जांचने का तलिसमा जिस तरीके से मैंने तकरीर में कहा था है सुर खिलास नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार कुल हो अल्लाहद कहो कि अल्लाह एक है अल्लाह समद अल्लाह जो बेनियाज है लम यलिद वलम यूलद ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है वलम यकुल्लहु कुफ्वन अहद उसके जैसा कोई नहीं है ये है चार आयतों का डेफिनेशन परखने के लिए कि जिस को आप खुदा कह रहे हैं वो सही में असल में खुदा है कि नहीं जो भी शख्स को आप खुदा मानते हैं उसे टेस्ट कीजिए उसका इम्तिहान लीजिए सूरह इखलास के बुनियाद पर अगर जिसकी आप पूजा करते हैं वो सूर्य इखलास के बताए हुए चार आयतों के बुनियाद पे सफलता पाता है तो वो सही खुदा है वरना गलत है क्वेश्चन अगला सवाल राजेश का है वो पूछते हैं अगर इस्लाम के माने अमन है तो क्यों जिहाद यानी कत्ल गारतगिरी का कुरान में हुक्म है जबकि हिंदू धर्म में अमन की बात कही गई है भाई साहब ने कहा कि कुरान में क्यों कत्ल के बारे में कहा गया है जब इस्लाम मजहब अमन का और हिंदुजम में अमन के बारे में कहा गया है अक्सर हिंदू पूछते हैं कि कुरान में जिहाद के बारे में क्यों लिखा गया है क्यों कत्ल के बारे में लिखा गया है बहुत से लोगों गैर मुस्लिम और मुस्लिम को गलत फहमी है ये लफ्ज जिहाद के बारे में जिहाद आता है लफ्ज जहादा से जिसके माने हैं जिद्दोजहद करना लोगों को गलत फहमी है कि कोई भी जंग कोई भी मुसलमान अगर कोई भी जंग लड़ रहा है चाहे खुद के फायदे के लिए हो चाहे अपने नाम के लिए हो चाहे माल के लिए हो उसे कहते हैं जिहाद जिहाद के माने ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी जंग लड़ रहा है चाहे खुद के फायदे के लो खुद के नाम के लिए हो खुद के माल के लिए हो जिहाद आता है लफ्ज जहादा से जिसके माने हैं जिद्दोजहद टू टू स्ट्राइव स्ट्रगल और इस्लाम में जिया की मानी है टू स्ट्राइव अगेंस्ट वन ओन इवन रिलेशन जुद्दोजहद करना अपने खुद के नफ के खिलाफ बुराई के खिलाफ जियाद के मानी यह भी होती है कि जिदोजहद करना माशरे को सुधारने के लिए जियाद के मानी यह भी होती है कि जंग के मैदान में अपने आप को बचाने के लिए जिद्दोजहद करना जियाद उसे भी कहते हैं कि जंग करना जुल्म के खिलाफ उसे भी कहते हैं जिहाद लेकिन जिहाद के मान्य है जिद्दोजहद लोगों को गलत फहमी है और गलत तर्जुमा करते जिहाद का अंग्रेजी में एज होली वाह होली वाह को अरबी में कहेंगे हर्ब मुकदसा और ये अरबी लफ्ज हरब मुकदसा कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं आ पाएंगे ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रूसेडोस के लिए जब अंग्रेज अपना दीन अपना मजहब फैला रहे थे तलवार के बल पर और हजारों लोग का कत्ल किया उस टाइम कहते थे होली वॉर आज की तारीख में यह लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए जो बिल्कुल गलत है और जब हम पढ़ते हैं दिगर मजहब की किताबों के बारे में लोग गलत हवाला देते हैं कुरान मजीद का और लोगों को गलत फहमी में डाल देते कई क्रिटिक्स इंक्लूडिंग अरुण छुरी इस भारत के है उन्हें भी किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास और एक आयत को हमेशा कोट करते सूर्य तोबा सुरान नंबर नौ आयत नंबर पांच और वो कहते हैं काफी क्रिटिक्स अरुण शुरी भी कि कुरान में लिखा हुआ है सूर्य तोबा सुरा नंबर नौ आयत नंबर पांच में कि जा भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो और उनका कहना है ब्रैकेट में वो कहते हिंदू लोग भी आप काफिर को पाएंगे जा भी हिंदू को पाएंगे आप कत्ल करो कुरान में लिखा है जब आप कुरान शरीफ खुलते हैं और पढ़ते हैं सूर तौबा नंबर नौ आयत नंबर पांच उसमें लिखा हुआ है जहां भी आप काफिर को पाएंगे उनका कत्ल करो लिखा है लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना चाहिए वर्स नंबर वन ऑनवर्ड वर्ट से सूरत तौबा नंबर नौ में आयत नंबर एक से हम पढ़ते उसमें पता लगता है क्या एक मददा था एक पीस ट्रीटी थी मुसलमान और मक्का के मुश्रकों के बीच और ये पीस ट्रीटी एक तरफा मक्का के मुश्रकों ने तोड़ा था अल्लाह फरमाते हैं आयत नंबर पांच में अगर आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे चार महीने में तो ऐलान जंग और जंग की हालत में अल्लाह फरमाते हैं मुसलमानों से जब आपके दुश्मन आएंगे जो लोग हक को छुटलाते हैं काफिल लोग आएंगे तो आप डरो मत उनसे लड़ो उनका कत्ल करो ये आयत मैदान जंग के बारे में है आज की तारीख में कोई भी आर्मी जनरल अपने सिपाही हिम्मत अफजाई के लिए कहेगा कि लड़ो दुश्मन का कत्ल करो वो नहीं कहेगा कि भाग जाओ वो ये नहीं कि झगड़ा मत करो कत्ल मत करो और मर जाओ ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे मैदानी जंग में डरो मत झगड़ा करो और अरुण शूरी अपनी किताब वर्ल्ड फतवा में आयत नंबर पांच से जम मारता है आयत नंबर सात पर क्यों आयत नंबर छह में उसके बीमारी का जवाब है आयत नंबर छह में अल्लाह तला फरमाते हैं इसके बाद लेकिन अगर काफिर अगर मुश्रक अमन चाहता है उसे दे दो अमन चाहता है तो उसे अल्लाह का कलाम सुनने दो और हिफाजत के साथ एक महफूज जगह तक पहुंचाओ अल्लाह ये नहीं कहते कि उसे जाने दो लेकिन अगर वो काफिर अमन चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पर ले जाओ आज के तारीख में सबसे दयालु आर्मी जनरल ये कहेगा कि दुश्मन को जाने दो कोई भी यह नहीं कहेगा दुश्मन को हिफाजत के साथ महफूज जगह पर छोड़ाओ लेकिन कुरान मजिद ने लिखा है जब भी आयत आती है कुरान मजीद में कत्ल के बारे में या इस टाइप के जिहाद के बारे में किताब के बारे में फौरन अगली आयत में अक्सर आता है अमन सबसे बेहतर है सूर्य में पढ़ो सूरह नंबर आठ आयत नंबर साठ में लिखा है कि तैयार हो जाओ काफिर के खिलाफ झगड़ा करो उसके बाद आता है अगर अमन जाते हो बेहतर है तो ये क्रिटिक्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स कोट करते हैं और लोग को भेखाते हैं मेरा तरीका है जिस तरीके से कुरान मजिद में अल्लाह फरमाते कल में तीन सवा इन बहना बहना को आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है मैं हिंदुओं से कहता हूं कि आप जब महाभारत पढ़ेंगे महाभारत में कई मंत्र झगड़ने के बारे में लड़ने के बारे में किताब के बारे में कतल के बारे में और अगर हम तहकीक करेंगे तो कुरान से कई गुना ज्यादा महाभारत में है कत्ल के बारे में तो हिंदू मुझसे कहता है लेकिन जाकिर साहब कत्ल के बारे में ये जो श्लोका है मंत्र है महाभारत में वो हक और बातिल के दरमियान है कुरान में भी वो है तो हिंदू भाई मुझसे कहता है तो मुझे कुरान से कोई एतराज़ नहीं क्योंकि वो महाभारत के बारे में जानता है जा हवाला देते तो कुरान भी कबूल करता है ऐसे जंग से मुझे कोई शिकायत नहीं और जब भगवत गीता पढ़ते हैं भगवत गीता एक नसीहत है श्री कृष्ण दे रहे अर्जुन को अर्जुन कहता है भगवत गीता में पाठ नंबर एक श्लोका नंबर फोर्टी थ्री टू फोर्टी सिक्स में अर्जुन अपने सारे हथियार जमीन पर रख देता है और कहता है मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत मेरे रिश्तेदार से झगड़ा करना लड़ना हम जानते हैं महाभारत एक लड़ाई के बारे में है कौरव और पांडव के बीच और जंग के मैदान में अर्जुन अपने हथियार रख देता है और कहता है मैं निहत्ता मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से झगड़ा करूं लड़ू फौरन बाद भगवत गीता पार्ट नंबर दो श्लोक नंबर दो और तीन में श्री कृष्ण कहते हैं ए अर्जुन ऐसे गलत ख्याल कैसे आए तुझमें इससे स्वर्ग से दूर जाएंगे नर्स में जाएंगे हाउ कुड सच इम्प्योर थॉट कम इन योर माइंड इट विल टेक यू अवे फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ हेवन हाउ कुड यू बी सो इंपॉर्टेंट और आगे पढ़ते हैं तो लिखा है भगवत गीता पार्ट नंबर दो में मंत्रा नंबर श्लोक नंबर थर्टी वन टू थर्टी थ्री में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से क्षत्रिया का धर्म है कि वो लड़े और कामयाब है ब्लेसेड दो क्षत्रिया वो लोग के ऊपर अच्छा ही आए वो क्षत्रिया जिसको झगड़ने का मौका मिलता है लड़ने का मौका मिलता है अगर क्षत्रिया नहीं लड़ेगा तो वो गुना कर रहा है अगर लड़ेगा तो जन्नत में जाएगा और बहुत से क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम जो इस्लाम के बारे में इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं वो एक हदीस पेश करते हैं मोहम्मद की जो सही बुखारी में से है छियालीस फोर्टी सिक्स जिसमें मोहम्मद फरमाते अगर मुजाहिद जंग के मैदान में उसका कत्ल हो जाता है तो जन्नत जाएगा अगर जिंदा वापस लौटता है तो उसे इस दुनिया का माल मिलेगा बहुत से गैर मुसलमान इस हदीस का एतराज करते कैसा धर्म है ये इस्लाम कैसा मजहब है जिसमें लिखा है कि अगर आप जंग के मैदान में जाएंगे और मर जाएंगे तो आपको जन्नत मिलेंगी स्वर्ग मिलेगी, वापस आएंगे तो आपको दौलत मिलती है जब हम भगवत गीता पढ़ते भगवत गीता पार्ट नंबर दो श्लोक नंबर थर्टी सेवन में लिखा है श्री कृष्ण कहते अर्जुन से ए अर्जुन उठो और लड़ो अगर जंग के मैदान में तुम्हारा कत्ल होगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे अगर जिंदा वापस आएंगे तो इस दुनिया की दौलत मिलेंगी हु बहू जो सही बुखारी में मोहम्मद सल्लाम कहते हैं वही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं ये सोचता हूं कि कैसे ये क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम है ये अरुण शुरी खुद की किताब नहीं पढ़ा ना भगवत गीता ना महाभारत और कुरान के बारे में खिलाफ लिखने लगा अफसोस की बात है खुद की किताब पढ़ेंगे तो जवाब मिलेगा तो इसीलिए हर मजहब में जब जरूरत है किसी का कत्ल करना गलत है कुरान मजीद में जिक्र आता है सुरे मायदा में सुना नंबर पांच आयत नंबर बत्तीस में अगर कोई भी इंसान कोई दूसरे इंसान का कत्ल करता है चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल या वो शख्स इस जमीन पे फसाद फैला रहा है ये दो वजह के अलावा कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है तो वो ऐसा है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है और कोई भी इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी बचाता है तो वो सारी इंसानियत को बचाता है तो कत्ल करना एक इनोसेंट आदमी का हराम है लेकिन जब वक्त कत्ल के बदले कत्ल या जंग के मैदान में जहाँ जरूरत है जुल्म के खिलाफ लड़ना तो भगवत गीता में भी इसका जिक्र है महाभारत में भी बाइबल में भी है तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो सही इल्म आपको लग जाएगा इस्लाम में क्या कहा गया है जिहाद के बारे में क्वेश्चन। पेपर स्लिप पर आए हुए सवाल का ये आखिरी सवाल है संदीप सवाल करते हैं कि क्या हम सब ये नहीं जानते कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो फिर मनुष्य क्यों नहीं बन सकता अक्सर लोग कहते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो सवाल है वो मनुष्य आदमी क्यों नहीं बन सकता बहस के तौर पे अगर मान भी लेते अल्लाह सब कुछ कर सकता है मानते हैं बहस के तौर पे तो अल्लाह मनुष्य क्यों नहीं बन सकता है इंसान क्यों नहीं बन सकता है अगर खुदा मनुष्य बना इंसान बना तो वो खुदा नहीं रहता है क्यों क्योंकि खुदा और मनुष्य खुदा और इंसान की क्वालिटी सिफात बिल्कुल अलग है खुदा की ना शुरुआत है लेकिन इंसान की शुरुआत है एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है ये तो नामुमकिन है अगर गॉड बी अगर खुदा आदमी बन जाता है तो खुदा नहीं रहता है क्योंकि खुदा की शुरुआत नहीं आदमी की शुरुआत है हाउ कैन यू गॉड मैन एक शख्स जिसकी शुरुआत है और शुरुआत नहीं भी है इट मीनिंगलेस खुदा का अंत नहीं है आदमी का अंत है अगर आप कहेंगे कि एक शख्स है जिसका अंत नहीं है और अंत है भी, इट इज मीनिंगलेस ये बिना कोई मानी के है खुदा इमोटल है खुदा को खाने की जरूरत नहीं है इंसान को खाने की जरूरत है अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में सूरह अनाम में सूरह नंबर छह आयत नंबर चौदह में खुदा को खाने की जरूरत नहीं लेकिन दूसरों को खिलाता है Allah does not require to be fed, but He feeds everyone else. इंसान को नींद की जरूरत है आराम की जरूरत है खुदा को आराम की जरूरत नहीं नींद की जरूरत नहीं अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर दो आयतल कुर्सी में आयत नंबर 255 में अल्लाह सुबहाना तआला बेनियाज है ना ही उन्हें नींद की जरूरत ना ही उन्हें आराम की जरूरत वो मालिक है सारी दुनिया का सारे आसमान का सारे आसमान और दुनिया का खालिक है तो दोनों मुख्तलिफ है बोता डिफरेंट मान भी लेते हैं कि खुदा इंसान बना तो खुदा रहता ही नहीं और जब खुदा नहीं रिया तो इंसान को पूछने की क्या जरूरत आप और हम भी इंसान हैं तो क्या फायदा इंसान को पूछ के अगर हम इस बहस को आगे लेके जाते कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो इस बहस को आगे लेके जाते तो यह भी मानने पड़ेगा कि अल्लाह झुड़ भी बोल सकता है खुदा झुड़ भी बोल सकता है हम जानते हैं कि खुदा झूठ नहीं बोलता अगर खुदा झूठ बोला तो खुदा नहीं रहता वो अंदाज से लोग ये भी कह सकते हैं कि खुदा ना इंसाफी कर सकता लेकिन कुरान में लिखा हुआ है सुर निसा में सुरा नंबर चार आयत नंबर चालीस में खुदा थोड़ी भी ना इंसाफी नहीं करता अगर खुदा ना इंसाफी किया तो खुदा ही नहीं रहता इसी बहस को आगे लेके जाते तो कह सकते अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा भूल भी सकता लेकिन भूलना खुदा की सिफत नहीं है झूठ बोलना खुदा की सिफत नहीं है कुरान में लिखा है सूरतहाम में सुरा नंबर बीस आयत नंबर बावन में खुदा नहीं भूलता अगर खुदा भूला तो खुदा ही नहीं रहता अगर खुदा सब कुछ कर सकता तो खुदा गलती भी कर सकता लेकिन गलती करना खुदा की सिफत में से नहीं है अल्लाह तौ फरमाते नंबर बीस आज नंबर बावन में कि खुदा कभी भी गलती नहीं करता अगर गलती किया तो खुदा ही नहीं इसीलिए कहीं भी कुरान में यह नहीं लिखा है कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है कुरान में लिखा हुआ है इन अल्लाह कदीर अल्लाह हेज पावर ऑफ ऑल थिंग्स अल्लाह सब चीज़ों पे कायम है अल्लाह हैज पावर ऑफ ऑल थिंग्स ही पावर ऑल थिंग्स ताकत है सब चीज़ों पे और इसका जिक्र कई जगह कुरान में है सुरह सुरा दो आयत नंबर दो आयत नंबर एक सौ नौ सुरह दो आयत नंबर तीन आयत नंबर ट्वेंटी नाइन सुरह नहर सुरा नंबर सिक्सटीन आयत नंबर सेवेंटी सेवन सुरह सुरा नंबर पैंतीस आयत नंबर एक में लिखा है कायम है अल्लाह पावर वो ऑल थिंग्स लेकिन कुरान में यह भी लिखा है सुरह बुरुज में सुरह नंबर पचास आयत नंबर सोलह में अल्लाह इज डूअर ऑफ ऑल वॉट ही इंटेंट अल्लाह जो भी चाहता है कर सकता है अल्लाह लेकिन सब कुछ नहीं करता है अल्लाह झूठ कभी नहीं बोलेगा अल्लाह नहीं चाहता कि वो गलती करे अल्लाह नहीं चाहता कि वो झूठ बोले अल्लाह नहीं चाहता कि वो खाना खाए अल्लाह नहीं चाहता कि वो इंसान बने तो इसीलिए अल्लाह सब कुछ नहीं करता है अल्लाह अच्छी चीजें सिर्फ करता है अल्लाह इज द डोर ऑफ ऑल इंटेंट्स एंड इंटेंट्स ओनली गुड थिंग्स तो ये कहना कि खुदा इंसान बना बिल्कुल बेबुनियादे और खुदाई के खिलाफ है होप दस इज क्वेश्चन वाखर दावान अलहमद लबी जजाकल्ला डॉक्टर साहब ये सवालत के सिलसिला अब खत्म होता है